हाँ, आजकल नए जमाने के बहुत से लोग अपने अंगूठे में अंगूठी पहन लेते हैं। ये बहुत गलत चीज है। आप कुछ ऐसी ऊर्जाओं को आकर्षित करेंगे जिन्हें आप संभाल नहीं सकते। एक तरह से अपने शरीर को खोलने के लिए, एक इंसानी तंत्र को कई संभावनाओं के प्रति खोलने के लिए रिंग फिंगर महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी व्यक्ति को अपनी दुल्हन या दूल्हा बनाने के लिए तैयार करना चाहते हैं तो आप उनकी उंगली में अंगूठी पहनाते हैं, रिंग फिंगर में, है ना? किसी रूप में लोग खुल जाते हैं। कहीं ना कहीं ये समझ थी कि अगर आप ऐसा करते हैं तो कुछ चीजें होंगी, इसलिए वे इस उंगली का इस्तेमाल करते हैं, कोई और नहीं। हाँ, आजकल नए जमाने के बहुत से लोग अपने अंगूठे में अंगूठी पहन लेते हैं। ये बहुत गलत चीज है। आप कुछ ऐसी ऊर्जाओं को आकर्षित करेंगे जिन्हें आप संभाल नहीं सकते, और ये शरीर को स्थिर भी करता है। अगर आप रिंग फिंगर में धातु पहनते हैं तो शरीर में स्थिरता आती है। इसके कई कई दूसरे आयाम भी हैं, लेकिन इसे आम तरीके से देखें तो ये आपके अपने शरीर के आयामों को खोलने के लिए एक रिमोट की तरह है। इसे खोले बिना कोई ब्रह्मांड नहीं है। अपनी आंखें खोले बिना कोई दुनिया नहीं दिखती, है ना? अगर आपकी आंखें हमेशा बंद होती तो आपके लिए कोई दुनिया नहीं होती। तो इसी तरह इस सिस्टम को खोले बिना आपके लिए कोई ब्रह्मांड नहीं है। तो रिंग फिंगर असल में ब्रह्मांड के बारे में नहीं है, ये इस सिस्टम के बारे में है, इंसानी सिस्टम, इंसानी तंत्र। अगर आप इसे खोलते हैं फिर ब्रह्मांड मौजूद है। The cosmos has always been there. ब्रह्मांड हमेशा से मौजूद रहा है, बस इतना है कि आप इसके लिए खुले नहीं थे। रिंग फिंगर, अगर आप जानते हैं कि इसे कैसे इस्तेमाल करना है, जिसमें एक खास मात्रा में कुछ लगेगा, ध्यान में ऐसा मत कीजिए, इस तरह मत बैठिए, ये आपकी ऊर्जा को कई अलग अलग रूपों में बिखेर देगा। योग मुद्रा सबसे अच्छी होगी, या हाथ खुले रखें। रिंग फिंगर का इस्तेमाल न करें क्योंकि उसके लिए बिल्कुल अलग तरह के निर्देश और ट्रेनिंग की जरूरत होगी। इंसान के हाथ कई चीजें कर सकते हैं। खाने और शारीरिक कार्य करने के अलावा वे कई सारी चीजें करने में सक्षम है। अगर आप अपनी ऊर्जा प्रणाली को एक खास रूप में या जीवंतता और तीव्रता के एक खास स्तर तक ले आए, फिर आप जान जाएंगे कि हाथ एक जबरदस्त उपकरण है। योग में हम कहते हैं कि अनामिका यानी रिंग फिंगर में यहां से यहां तक आप पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित कर सकते हैं। ये सब कुछ है, ये आपके कंप्यूटर के माउस की तरह है। यहां आप अपने शरीर को जिस तरह चाहें एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप जानते हैं कि क्या करना है, इसे रगड़ते मत रहिए, ये इस तरह काम नहीं करेगा। अगर आप जानते हैं कि इसके साथ क्या करना है तो ये आपके कंप्यूटर के माउस की तरह है, आप इसे जिधर चाहें ले जा सकते हैं। आप अपने सिस्टम को जैसे चाहे वैसे सक्रिय कर सकते हैं, बस रिंग फिंगर के इस्तेमाल से। तो हाथ कई चीज कर सकते हैं, खाने और शारीरिक काम करने के अलावा। इससे एक पूरा विज्ञान जुड़ा हुआ है। इस तरह की स्थिति में इसकी गहराई में जाना बहुत ज्यादा हो जाएगा।